चाहिए भाई, क्यों भौंक रहे हो हैं? ब्लॉग सारा बेकार कर रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे चैनल आर भाई ब्लॉग्स और मैं आपके साथ रुद्र यादव एक और नया वीडियो लेकर अभी चलता हूँ छत पे। सो इन 3 2 1 तो पहुंच गए भाई छत पे। एंड अरे यार क्या हो रही है भाई, कितनी भीड़ है यहाँ देखो। सी दिस एक्चुअली यार क्या हो रहा है, आज क्या है, आई डोंट नो, पता नहीं क्या है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। सो कैमरा रखता हूँ, देन आपसे बात करता हूँ। सो आज का ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये ब्लॉग टाइप का तो नहीं है वैसे, एक्चुअली मैं ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक डेडिकेशन के तौर पे। असल में मैं एक पूरा वीडियो शूट कर रहा है, मैंने जो आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा इन्नो, जो मेरी इनाया, मतलब उसका नाम इनाया है, इन्नो हम लोग बोलते रहते हैं, जो मेरी बुआ की डॉक्टर है, तो उसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो शूट करा था यहाँ पर पूरी क्रेन लगा के, ठीक है। सो वो वीडियो एक डेडिकेशन के तौर पर मैंने उसको दिया था बुआ को उसके लिए, तो वो वीडियो आप लोग इस व्लॉग में देखोगे। सो इन 3 2 1 शॉर्ट स्टार्ट्स। सो व्हाट यू सेइंग दिस इज नॉट एनफ, जस्ट राइट इट ऑफ लाइक अ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, यू बीन फसिंग हाउ वी नेवर टच, बट हु कैन बदर विद दिस काइंड ऑफ फसिंग, व्हेन वी बीन वॉकिंग दिस ग्लाइड, फ्रस्ट्रेटेड आउटडेटेड व्हाट्स ऑन योर prescription drug. काफ़ी अच्छा, मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी अच्छी काम करा है, काफ़ी अच्छा काम करा है। मैं अपना तारीफ तो नहीं करना चाहता बट मेरे हिसाब से वो वीडियो काफ़ी अच्छा बना है, मेरे नॉर्मल ब्लॉग्स से तो काफ़ी अच्छा ही है। मैं अपने ब्लॉग्स की बुराई कर रहा हूँ, रियलिटी में मेरे बहुत बेकार बनते थे पहले, अब तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर भी लिया है और मैंने कैमरा की सेटिंग्स बदल दी हैं, तो लेकिन सीधा कलर करेक्शन हो रही है तो काफ़ी अच्छा सा कलर करेक्शन ये दे रहा है आपको इनहेंस करके कलर। तो अभी चलता हूँ वहाँ
वहाँ वहाँ वहाँ वहाँ नहीं पता, चलो चलते हैं। तो देखो क्या हुआ है, ये हुआ है, अभी आंधी आई थी तो हमारी पूरी टीन उड़ गई थी, तो हमारे पास वॉशर नहीं मिला तो ये लगाया गया, देख सकते हो आप, है ये लगाया गया, ये वही चीज़ है जो आप लोग ने पेंटिंग स्टोर टांगने के लिए उसके पीछे लगाया जाता है। चलो और ऊपर चलता हूँ मैं, और हम लोगों ने, मेरी बहन ने मिल के एक छोटी सी चीज़ बनाई है, विच इज़ दिस। यहाँ सब ये फैला पड़ा हुआ था ऐसे ही, तो मैंने क्या करा, इस पर ये पटला टला डाल के ऊपर एक रख के इसके ऊपर का बना लिया, एंड सी द व्यू फ्रॉम हेयर, मतलब आप देख सकते हो इन रियलिटी। ओहो यार ये लोग तो मतलब मेरे पीछे भी पड़ जाते हैं, देखो क्या करा मैंने तुम लोगों का, काहे भौंक रहे हो, मतलब पीछे पढ़ना है तो पढ़ना है। सो यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है, मतलब आप देख सकते हो इतना ज़्यादा अच्छा व्यू यहाँ से मिल रहा है, बट होप यू, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी मेरी। सो वो जो आप देख रहे हो वहाँ पे, वो है रिलायंस पावर स्टेशन शाहजहानपुर का। सो वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा, एक सेकंड, काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी इसकी, मैं ज़रा सेट कर लेता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ ये पावर स्टेशन। सो आप देख सकते हो ये है वो पावर स्टेशन, अब मैंने काफ़ी ज़्यादा ही कर लिया कुछ ज़्यादा मतलब क्या हो रहा है। तो ये जो है, ये दो चिमनियाँ आप देख रहे हो, ये है रिलायंस पावर स्टेशन शाहजहानपुर का, ठीक है, एंड यहाँ से ये पूरा व्यू दिखता है आपको, ये इतना बड़ा बादल हो रहे हैं, ऑफकोर्स यार कल बारिश हुई थी, आज भी पूरा आधे दिन तो मौसम ऐसा ही रहा, एंड मैं बहुत काला दिख रहा हूँ, फिर से सेटिंग चेंज करता हूँ, देन आपसे मिलते हैं। तो ये मैंने बनाया था, इस पर मैं अभी चढ़ूँगा तो नहीं अकेले, ठीक है। यहाँ से मतलब ऊंचाई इतनी है कि आप देख सकते हो कितनी ऊंचाई है यहाँ से, आप कैमरा इट्स नॉट डूइंग दी जस्टिस, और सच बोलता हूँ यार, झूठ नहीं है, बहुत ऊंचाई है यहाँ से, और यहाँ से अगर आप नीचे देखोगे तो सच्ची में आपको चक्कर आने लगेंगे, इतनी ज़्यादा ऊंचाई है। भाई क्यों भौंक रहे हो, हैं ब्लॉक सारा बेकार कर, तो वो भौंकता रहता है, ठीक है। सो पता नहीं, आई डोंट नो, एकदम से बच्चे चिल्लाने लगे और सोच रहे क्या होगा, बॉल 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 आई है क्या, पता नहीं कुछ बोल रहे होंगे जिसे। सो अभी मैं कुछ बातें करता हूँ आप लोगों से। सो कैमरा सेट हो गया, पता नहीं एक घंटा लगा मुझे कैमरा सेट करने में। सो आपने जो इससे पहले ये वीडियो देखा जो इन्हों का मैंने बनाया था, इसमें सच्ची में बहुत मेहनत लगी है, तो एक लाइक तो ज़रूर कर देना यार, मतलब क्या बोलूँ, कर देना यार, ठीक है। एंड यहाँ से व्यू ऐसा है, समझ लो हम, मैं बहुत बार देख चुका हूँ ये व्यू, तो मुझे तो आदत पड़ गई है, आप लोग फर्स्ट टाइम देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल व्यू है यहाँ से, मतलब इतना ज़्यादा खुला आसमान है यहाँ पर, एंड यहाँ पर आके ना इतना ठंड लगती है यहाँ। एक सेकंड, एक बात भी होती है कि अगर आप ऊंचाई पर रहते हो, अगर आप ऊंचे पे जाते हो तो जो आपका विंड स्पीड है वो बढ़ जाती है, बिकॉज़ अगर आप नीचे को रहते हो तो देख सकते हो आप कितने घर हैं यहाँ पर बने हुए, तो हवा जो है इन घरों से रुक जाती है, बल्कि अगर आप ऊंचाई पे आ जाते हो, ऊंचाई पे आ जाते हो तो जो हवा है वो डायरेक्ट आपकी तरफ आती है। सो यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है, देख लो, देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स, इंजॉय।
शाहजहानपुर तो दिख ही जाता होगा, बट पीछे की साइड में यहाँ पर मुझे पूरा बॉर्डर दिखता है पीछे की साइड का पूरा। सो पीछे गर्रा है तो वो भी दिख जाती है पूरी रिवर हमारे शाहजहानपुर की, और काफ़ी अच्छा मतलब मेरे घर से व्यू दिख जाता है आपको। एंड रिलायंस पावर स्टेशन ना हमारे शाहजहानपुर रेजिडेंशियल एरिया से काफ़ी क्लोज है, आई थिंक ऐसा है, बट आई डोंट नो, ये मेरे मैंने कहा है, इस पर यकीन मत करना, ठीक है, समझते हो ना। सो इन डॉगीज ने तो मतलब पूरा व्लॉग ही ख़राब कर डाला। सो आज के लिए बस इतना ही, मेरा एक फ्रेंड आने वाला था, अगर वो आता है तो मैं वहाँ से व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट कर दूँगा। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो शेयर इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय बाय। अभी मेरा फ्रेंड यार पीछे कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, सी वो नीली टी शर्ट में, नीली टी शर्ट में, ये सबसे किनारे जो है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एज ऑलवेज।